तां BSF दे जवानां दे वल्लों 11 नागरिकां नूं बार्डर दे उपर गिरफ्तार कीता है। तां तुहानूं दस दईए कि जिहड़े 11 नागरिक सीगे कोई होर नहीं बंगलादेशी सीगे, तां जिन्हां ने बार्डर क्रॉस करके पाकिस्तान दे विच दाखल होना सी। तुहानूं दस दईए कि BSF दे जवानां दे वल्लों 11 बंगलादेशी नागरिकां नूं गिरफ्तार किया गया, जिहड़े कि सरहद पार करके कौमांतरी सरहद आ जिहड़ी भारत की अटारी बार्डर तो इन्हां 11 बंगलादेशियों नूं गिरफ्तार किया, जिहड़े कि बार्डर पार करके पाकिस्तान दे विच दाखल होण जा रहे सी। तां तुहानूं दस दईए कि एक रणजीत सिंह नाम का व्यक्ति सी जिहड़ा कि 25,000 रुपए के बदले उन्हां नूं बार्डर क्रॉस करवा रहा सी, पर जदों बीती देर रात जदों उत्थे पहुँच रहे ने बार्डर के उपर तां BSF दे जवानां नूं हिलचुल महसूस हुंदी आ। तां जदों जांच की जाती है तो उत्थे 11 नागरिक मिलते हैं, तो उन्होंने 11 नागरिकों को गिरफ्तार किया जाता। तो 11 के 11 नागरिक से जोड़े वो बंगलादेशी से, जिन्हों के 5 मर्द सन, 3 औरतों के 3 बच्चे सन। जो इन्हों गिरफ़्तार किया गया तो जोड़े 3 बच्चे से उन्होंने लुधियाना की बाल जेल के भेजा गया, तो बाकियों तो पुछगिछ हो रही है, तो उन्होंने अदालत के पेश किया जाएगा ता जो पुलिस को उन्होंने रिमांड मिल सकता। रिमांड तो बाद उन्होंने होर पुछगिछ की जाए भी कि उन्होंने इत्थे लियाउण वाला ट्रैवल एजेंट कौन सी, उन्होंने पाकिस्तान के क्यों दाखिल होना सी। तुहानूं दस दईए कि BSF नूं वड्डी कामयाबी मिली है जिथे उन्होंने 11 बंगलादेशी नागरिकों को गिरफ़्तार किया। तो जिहड़े नागरिक कौमांतरी बार्डर पार करके पाकिस्तान दे विच दाखल होने की कोशिश कर रहे, तो उन्होंने एक व्यक्ति सी रणजीत सिंह नाम का व्यक्ति दस्या गया जिहड़ा कि उन्होंने बार्डर पार कराने की कोशिश कर रहा सी 25,000 रुपए के बदले। तो तुहानूं दस दईए BSF ने उन्होंने 11 के 11 नागरिकों को गिरफ़्तार किया, तो 11 के जिहड़े 3 बच्चे सन तो उन्होंने लुधियाना की बाल जेल के भेज दिता गया, तो अदालत के पेश किया जाएगा तो जो पुलिस को रिमांड मिल सके। बीते कल एक BSF ने जिहड़े तो ICP वाघा है उसकी बाउंड्री वाल इलीगली क्रॉस करते जी 11 जिहड़े बंगलादेशी सिटीजन सीगे वह एप्रीहेंड किए सीगे। उहदे रिगार्डिंग विच उन्हां दी जिहड़ी इलीगल ट्रेसपासिंग है जिहड़ी इंडिया विच उहदे रिगार्डिंग आपां एक अपनी FIR थाने करिंडे डिफरेंट सैक्शन दे ह्यूमन ट्रैफिकिंग दे अपने पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरनर एक्ट वो एक FIR रजिस्टर की है कि जो आप उन्होंने 11 बंदे जोड़े ने उन्होंने जेडे उन्होंने हैंड ओवर किए हैं उन्होंने आप अरैसट किया जी। इन्होंने सैक्शन के अधीन अज आप उन्होंने सारियां कोर्ट प्रोड्यूस करा जी, तो जी अगली इन्वेस्टिगेशन जी कि इतने पहुँचे किदा जिमें मुढ़ली पुछगिछ आया कि वे कुछ जोड़े टाउट्स टाइप से जोड़े इनवॉल्व से जो बंगलादेश उन्होंने क्रॉस किया वैसट बंगाल का एरिया तो इंडिया च दाखिल होए ने आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने फड़ के पूरा जो नैक्सस है उन्होंने ब्रेक करा। सर एक एजेंट ने इन्हों को 60,000 रुपये तो ज़्यादा रुपये लिख के इन्हों अटारी सरहद पर पहुँचाया, वो बारे कोई जानकारी हैगी है कि पता किया जा रहा है? ये देखो जी इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्ने दिन आप एजेंटा का ना इदा डिस्कलोज करता ना तो उन्होंने फड़ना बड़ा जरूरी है, इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी। जी जी बच्चे भी है, लेडीज़ भी है ने आप जो बच्चे ने उन्होंने जो जुवेनाइल होम च उत्थे भेज देंगे जी कोर्ट इंटीमेशन करके। हाँ जी प्रीलिमिनरी से यही आया कि इन्हों ल्योर किया गया दे वॉन्ट टू गो पाकिस्तान। हाँ जी इन्हों को जो सारे को पासपोर्ट नहीं मिले, इन्हों को 3 डॉक्यूमेंट जो उन्होंने BSF ने हैंड ओवर किए हैं वह साढ़े कब्जे ने। कितनी भारतीय करंसी ते कितनी बंगलादेशी दरहम है ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਜੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਜੀ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੈਟ FIR ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।